सो हेलो वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोटेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और आज हम लोग के सामने खड़ी हुई है 2024 की लेटेस्ट बजाज प्लेटिना, जो कि 110 कम्फर्ट एक आपके सामने खड़ी हुई है। इसमें आपको ABS भी देखने को मिलता है, विद ड्रम ब्रेक भी आपको इसमें मिलती है, दो वेरियंट में मतलब अवेलेबल हो जाती है। उसी के साथ में क्या इसमें स्पेसिफिकेशन इसकी होने वाली है, क्या प्राइस है और बाकी और मतलब इसके जो कंपटीटर आते हैं उनसे क्या फीचर वगैरह देखने को मिलते हैं, सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो में बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बाइक के हेडलाइट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट का वाइजर मिल जाता है, और अगर आप इस तरफ आते हो तो यहाँ पर आपको पिंक और व्हाइट के साथ में यहाँ पर ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। पूरा ब्लैक कलर का हेड टाइप मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिलता है विद हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर के साथ में। यहाँ पर आपको एक DRL दे रखी है जो कि LED बेस्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके, जैसे ही आप ऑन करते हो तो DRL यहाँ पर ऑन हो जाती है, और इसको आप एडजस्ट करते हो तो यहाँ पर जो DRL है वो धीमे होकर यहाँ पर इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पर स्विच दे रखा है, अभी बाइक स्टार्ट नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे ही हो जाती है। फ्रंट में यहाँ पर आपको इसमें हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो। कम्फर्टेक की बैजिंग, नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। मडगार्ड के ऊपर में यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, ग्लॉसी ब्लैक का यहाँ पर दे रखा है आपको। और जो आप अगर इसका डिस्क वाला वेरियंट परचेज करते हो जिसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, उसमें आपको डिस्क मिलती है, लेकिन ये ड्रम वेरियंट है तो यहाँ पर आपको 130mm की काफ़ी बड़ी सी डिस्क देखने को मिल जाती है। एंटी स्किड, यहाँ पर आपको ब्रेकिंग मिलेगी, बैजिंग मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग तो मिल ही रही है। उसके साथ में अगर बात करिए टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको इसमें 80x100 सेक्शन का टायर फ्रंट में मिलता है विद 17 inches अलॉय व्हील, जिनका पैटर्न देखने में काफ़ी यूनिक और अच्छा लगता है, आप देख सकते हो फ्रंट से पूरा। इस तरफ अगर हम लोग आते हैं तो साइड स्टैंड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें 4 gearbox सिस्टम देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको बजाज की बैजिंग है। बाकी अगर आप इस तरफ देखते हो तो 200mm की यहाँ पर आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इस तरफ अगर आप आते हो टैंक के ऊपर में तो प्लेटिना का यहाँ पर आपको बैजिंग मिलेगी। बाकी यहाँ पर गोल्डन फिनिशिंग में दे रखी है। E20 कंपेटेबल है ये बाइक। 10.5 लीटर का यहाँ पर आपको मेटल का टैंक मिल जाता है। यहाँ पर आपको टैंक पैड मिल जाते हैं रबर की फिनिशिंग के साथ में। अगर आप इस तरफ मीटर देखते हो इसका, तो क्रोम की आपको मिलती है बार हैंडल, जिसकी आपकी राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छी होने वाली है। स्विचेस की बात करिए, पासिंग मिल जाता है, हाई बीम लो बीम है, टर्न इंडिकेटर हॉर्न है। बाकी साइड में डिजाइन आप देख सकते हो। इस तरफ आपको हेडलाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन है, शेल्फ दे रखा है, बाकी की आप देख सकते हो। क्लच के लीवर्स वगैरह क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बाकी मीटर कंसोल आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पर एक आपको स्पीडोमीटर है, इस तरफ आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज का ऑप्शन, गियर पोजीशन इंडिकेटर, बजाज की बैजिंग, चेक इंजन, कुछ ऐसा आपको मीटर कंसोल ओवरऑल देखने को मिलता है। इस तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको 5 बॉडी का चैनसेट मिल जाता है। फुटपैक्स की क्वालिटी इसकी जो दे रखी है ये आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, रबराइज्ड हैं सारे के सारे, आप देख सकते हो। बाकी रियर में यहाँ पर आपको SOS भी नेटवर्क के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपको 110 कम्फर्टेक की बैजिंग, और यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड के साथ में यहाँ पर भी आपको रबराइज की पूरी बैजिंग वगैरह टाइप की मिल जाती है। रबराइज्ड आपको लेडीज फीचर्स देखने को मिलते हैं। टेल लाइट आप चेक करते हो तो कुछ ऐसी मिल जाती है यहाँ पर इसकी, हेलोजन बेस्ड। बाकी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, मडगार्ड आप देख सकते हैं। रियर में 110mm की ड्रम ब्रेक दे रखी है। जिसके टायर सेक्शन की बात करिए तो आपको 80x100 सेक्शन टायर ही रियर मिलता है विद 17 inches अलॉय व्हील। एक आपको मड फ्लैप यहाँ पर दे रखा है बीच में, आप यहाँ से देख सकते हो। क्रोम मिल जाता है यहाँ पर एग्जॉस्ट के ऊपर में। बाकी किक मिलने वाली है, और हॉर्न वगैरह सब आपको देखे कुछ ऐसी फील इसकी आ जाती है। 807mm की इस बाइक की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है, जो कि इसके हिसाब से काफ़ी सही है। इंजन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 115.45cc का एक नेचुरल DTSI एयर कूल्ड इंजन, जो कि रिलीज़ करने वाला है 8.60 PS की मैक्सिमम पावर 7000 RPM पर। 9.81 Nm टॉर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 5000 RPM पर। बाइक की पावर फिगर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, माइलेज इस बाइक का काफ़ी अच्छा है आपको देखने को मिल जाएगा 65 km/h तक का। बाकी आपकी राइडिंग ऊपर डिपेंड करता है और बाइक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के साथ में प्राइस के बारे में बात करी जाए तो बाइक की जो प्राइस होने वाली है, तो इसका प्राइस आपको देखने को मिलता है 85,160 rupees का, यानी कि 85,160 rupees इस बाइक का आपको प्राइस देखने को मिलता है एक शोरूम RTO इंश्योरेंस के साथ में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। बाकी शोरूम एड्रेस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप यहाँ से आके बजाज की लाइन में किसी बाइक को परचेस वगैरह कर सकते हैं। तो कुछ यही इसके ओवरऑल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कानपुर से लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।